अरवी के पत्तों की अरवड़ी और पात्रा तो सभी ने चाय के साथ बहुत खाए होंगे, लेकिन आपने कभी अरवी के पत्ते की ग्रेवी के साथ बनाकर देखा है? बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आज मैं वही ग्रेवी के साथ इसकी बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाऊंगी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए ये मज़ेदार सी सब्जी बनाना शुरू करते हैं। इसका बनाने के लिए पहले हम अरवी के पत्ते ले लेंगे और उनको अच्छे से पहले हम धो लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत धूल और मिट्टी होती है, तो पहले इनको अच्छे से आप धो लीजिए। यहाँ मैंने पत्तों को पहले अच्छे से धो लिया है। अब ये देखिए हमारे पत्ते बहुत गीले हैं, तो इनको हम एक कपड़ा ले लेंगे और कपड़े से इनको हम अच्छे से पहले सुखा लेंगे। सभी पत्तों को मैंने कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। अब जो देखिए ये डंडियाँ हैं, इन सभी डंडियों को हम पत्ते से अलग कर लेंगे, सभी को एक एक लेके काट लेंगे इसमें से। देखिए ऐसे पत्तों की मैंने सारी डंडियाँ अलग कर दी है। अब हम पत्तों को पहले काट लेते हैं। हाँ देखिए मैंने पत्तों को काट लिया और जो बचे हैं उनको भी हम पहले काट लेंगे। अब जो हमने पत्तों की डंडियाँ काटी थी ये देखिए इनको भी हम छील लेते हैं। देखिए ऐसे हाथ से निकालने पर इनकी एक परत से छिलके से आसानी से निकल जाएंगे, ये देखिए ऐसे। तो ऐसे ही हम सारी डंडियों के ऐसे छिलके उतार लेंगे पहले, ये देखिए कितनी आसानी से ये छिलके उतर रहे हैं। तो सारी डंडियों के पहले हम छिलके उतार लेते हैं। ये देखिए सारे मैंने इनके छिलके उतार लिए, अब इनको हम बारीक बारीक काट लेंगे। ये देखिए सारी डंडियों को मैंने देखिए बारीक बारीक काट लिया है। अब जो हमने पत्ते काटे थे उसके अंदर इसको हम डाल देंगे। यहाँ मैंने कुछ प्याज लिया है, पहले हम इनको काट लेते हैं बारीक बारीक। ये देखिए सारी प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब जो हमने अरवी के पत्ते काटे थे उनके अंदर इस प्याज को हम डाल देंगे। देखिए अरवी के पत्तों के अंदर प्याज हम डाल देंगे और एक बार हाथ से इनको हम मिक्स कर देंगे, क्योंकि प्याज अपना पानी छोड़ेगी। तो एक बार हाथ से इनको हम मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। मिक्स कर दी, अब 5 मिनट के लिए इसको मैं साइड में रख दूंगी। अब मैंने यहाँ ले लिया कुछ टमाटर और इनको भी हम काट लेंगे। इनको हम थोड़ा मोटा मोटा काट लेंगे, बीच में से 3-4 स्लाइस कर देंगे। ये मैंने कुछ हरी मिर्च भी ली है, इनको भी थोड़ा बड़ा बड़ा काट लेंगे। और कुछ हम ले लेंगे लहसुन की कलियाँ, ये देखिए। और 3-4 प्याज को मैंने मोटा मोटा काट लिया है। देखिए ना पत्तों को 5 मिनट हो गए हैं रखे हुए, तो अब इसमें मैं डालूंगी बेसन। मैं 2 बड़ी चम्मच भर के इसके अंदर बेसन डाल दूंगी। फिर हम मसाले ऐड करेंगे और अगर हमें और बेसन की ज़रूरत होगी तो हम और डालेंगे, लेकिन पहले हम इसमें थोड़ा कम ही बेसन डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच भर कर धनिया पाउडर डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दी है और स्वाद अनुसार मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दी है। अब थोड़ा सा मैं इसमें साबुत धनिया हाथ से कस करते हुए इसके अंदर डाल दूंगी और इसमें स्वाद अनुसार हम नमक भी डाल देंगे। गैस पे कढ़ाई रख दी है और इसमें मैं डाल दूंगी सरसों का तेल। और देखिए अरवी की सब्जी सरसों के तेल में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, तो मैं इसमें सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। तेल डाल देंगे और थोड़ी देर इसको गर्म होने देंगे। अब यहाँ तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो 1 चम्मच भरकर हम इसमें डाल देंगे जीरा और फिर इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच राई। फिर इसमें हम डाल देंगे प्याज। अब एक बार इन सब चीज़ों को हिला देंगे। इसमें मैं डाल दूंगी हरी मिर्च, थोड़े से इसमें हम डाल देंगे लहसुन साबुत, इसमें हम डालेंगे टमाटर।
फिर एक बार इसको हिला देंगे और थोड़ी देर के लिए इन सब चीज़ों को भून लेंगे। हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तब तक ये हमारी सारी चीज़ें फ्राई होती है, हल्के से सॉफ्ट होते हैं, तब तक हम देख लेते हैं अरवी के पत्तों को, कि जो हमने अरवी के पत्ते और प्याज मिक्स करके रखा था और बेसन, उसमें हम इस डाल देंगे थोड़ी सी इमली का पानी। देखिए इसमें इमली का पानी ज़रूर डालना, नहीं तो ये हमारे गले में लगेंगे। या तो आप इमली के पानी की जगह आप आमचूर भी डाल सकते हो 2 चम्मच, या आमचूर नहीं है तो आप इसमें 2 नींबू का रस डाल दीजिए। इससे ये जब हम खाएंगे तो हमारे गले में नहीं लगेंगे, तो आप इनमें से कोई भी चीज़ इसमें डाल लीजिए। तो मैंने इसमें थोड़ा इमली का पानी डाला है और इसमें मैं पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही, सिर्फ इमली का ही पानी हम इसमें डालेंगे और अच्छे से हाथ से देखिए अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसके अंदर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ देखिए मुझे थोड़ा सा बेसन कम लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा और बेसन डाल लेंगे। तो मैं इसमें 1 चम्मच भरकर और बेसन डाल दूंगी और फिर से सारे सामान को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसके हम पकौड़िया बना लेंगे। देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा हम लेंगे और ऐसे पकौड़िया इसकी हम तल लेंगे। देखिए यहाँ मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था, तेल अच्छे से गरम हो गया। अब इसमें हम छोटी छोटी पकौड़िया छोड़ देंगे। देखिए ज़्यादा मोटी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ी फूल कर मोटी हो जाएगी, तो छोटी छोटी हम इसमें छोड़ देंगे और इनको हिलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब ये देखिए हमारे फ्राई हो गए, अब इनको हम निकाल लेंगे। और देखिए गैस को ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, मीडियम ही रखना है, नहीं तो ये देखिए जल जाएंगे। तो इनको मीडियम ही रखना है और मीडियम पे ही इनको पकाना, ताकि अंदर तक भी अच्छे से पक जाए। तो अब ये पक गए, अब इन सबको हम निकाल लेंगे। अब ये देखिए जो हमने टमाटर प्याज पकाई थी वो अच्छे से देखिए पक गई है, ये देखिए फ्राई हो गई है। अब इनको हम निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब ये ठंडी हो गई है, अब इनको हम मिक्सी जार में डाल लेंगे और इनको पीस लेंगे, अच्छे से एक समोसा पेस्ट बना लेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, ताकि ये अच्छे से पीस जाए। अब मैंने गैस पे फिर से कढ़ाई रख दी है और इसमें डाल लिया है सरसों का तेल। तेल को गरम करेंगे पहले, फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, 1/2 चम्मच डालेंगे जीरा, इसी कलर के लिए लाल मिर्च डाल देंगे, और जो हमने पेस्ट पीस के रखा था वो इसके साथ इसमें ही डाल देंगे। फिर इस मिक्सी जार को धोकर थोड़ा सा पानी इसमें हम डाल देंगे और इसको हिला लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अब इनको हिला देंगे और कुछ देर पका लेंगे, ताकि जो हमने मसाले डाले हैं वो अच्छे से इसमें पक जाए। तो थोड़ी देर इनको हम पका लेंगे। ये देखिए मसाले अच्छे से पक गए और देखिए ग्रेवी भी हमारी पक पक कर थोड़ी कम हो गई है। अरवी के पत्तों के कोफ्ते बनाए थे वो इसके अंदर डाल देंगे। देखिए ग्रेवी गाढ़ी है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और एक बार इसको हिला देंगे। अब इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे और फिर से हिलाकर इसको 1 मिनट पका लेंगे, ताकि जो भी मसाले हैं हमारे कोफ्ते के अंदर चले जाए। तो 1 मिनट के लिए इसको ऐसे ही हम पका लेंगे। ले लीजिए दोस्तों, हमारे कोफ्ते की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और देखिए अगर आपको ग्रेवी गाढ़ी लग रही है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी और मिक्स कर लीजिए, और अगर आपको थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी खानी है तो ऐसे भी खा सकते हो। आप देखिए इसमें मैंने थोड़ी सी डाल दी है क्रीम, इसको हम मिक्स कर देंगे। और देखिए हमारी सब्जी बनकर कोफ्ते की रेडी हो गई है।
जी दोस्तों, हमारे अरवी के कोफ्ते बनकर तैयार हो गए और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और देखिए पात्रा तो अरवी के सभी बनाते हैं, एक बार आप ये अरवी के कोफ्ते बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी और चटपटे बनते हैं। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बनाइए, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए।